पेयजल का पानी आगे नहीं जा पाता। अच्छा, पेयजल का पानी कहाँ से आता है? पेयजल वहाँ ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल लगा है पेयजल। तो उस ट्यूबवेल से क्या सब लोग भरने जाते हैं? पाइपलाइन है, पाइपलाइन किस तरह से चल रही है? नहीं नहीं नहीं, मतलब है, मतलब वो नहीं, पाइपलाइन वो पेयजल की पाइपलाइन फट गई। अच्छा अच्छा, अब नहीं सप्लाई नहीं होता, सप्लाई नहीं है। अच्छा, मतलब सप्लाई तो अभी क्या आप लोग हैंडपंप से पानी भरते हैं? हैंडपंप से पानी भरते हैं सभी लोग, चाहे एक किलोमीटर जाना पड़े चाहे दो किलोमीटर जाना पड़े, हैंडपंप से पानी भरते हैं। तो ये बताइए आपके यहाँ का जो पानी, जैसे गांव का, सबसे पहले देखिए हम आपको बात बताएं, जैसे हम लोग कहते हैं कि बरसात में कितना पानी आता है और बह करके निकल जाता है, तो हम लोग उस पानी को नहीं बचा पाते। जी हाँ, जी नहीं बचा पाते। तो हमारा सबसे पहले काम यही है, फोकस यही रहेगा कि हम उस पानी को किसी भी तरीके से, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम उस पानी को बचाएं। अगर बचाएंगे तो हमारा आधा गाँव बह जाएगा। नहीं नहीं, उतना नहीं बचाना है कि गांव बह जाए, थोड़ी सी बात। अगर नहीं, मतलब आप ये बात को ये हंस रहे हैं? नहीं, हम हंस नहीं रहे, हम नहीं हंस रहे हैं, आप ही लोग हंस रहे हैं, हम नहीं हंस रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ तालाब है, अगर तालाब जो है अगर बंधवा दिया जाएगा जी, अगर 3 फीट बंधवा दिया गया जी, पुलिया 3 फीट में है, पुलिया बंद है, तो हमारा आधा मेन बात 3 फुट की है। अगर 3 फुट की है तो क्या आपके गांव की ये जो समस्या है 3 फुट की है, अगर क्या वो 3 फुट से 6 फुट की अगर हो जाए तो क्या तब भी बह के निकल जाएगा? सबसे पहली बात, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आप लोगों का इसमें, आप लोगों का क्या योगदान है? आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कभी उसको आप लोगों ने सोचा कि सब लोगों ने इकट्ठा होकर के कि इसको हम लोग थोड़ा सा ऊँचा करें? ऊंचा करें, लेकिन बहन जी अब ये समस्या सबसे बड़ी है बात है कि मान लो कोई गरीब है कोई अमीर है, हाँ, वो अपना मकान बना सकता है नहीं बना सकता? हाँ, नहीं, मकान बनाने की एक बात देखिए भैया अलग हो गई, ठीक है, और एक जो सामूहिक जिससे पूरा गांव चल रहा है तो वो एक कार्य अलग हो गया। घर बनाएंगे तो वो आपका अपना सहयोग रहेगा, अकेले आप उसमें अपना अपनी मेहनत दिखाएंगे, लेकिन अगर वो जो गाँव, किसी गाँव को बचाना है, इस समस्या का समाधान अगर हमको चाहिए, देखिए अगर हमको एक दिन हमारी कोई मदद कर सकता है, 2 दिन मदद कर सकता है, लेकिन हमको अगर हमको हमेशा अगर इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए तो हमको खुद वहाँ पर आपको खड़े होना पड़ेगा। आप खड़े होंगे, एक दिन अकेले खड़े होंगे, 2 दिन आपके साथ 2 लोग और जुड़ेंगे, 3रे दिन और जुड़ेंगे। सबसे पहली चीज़, आप अपने घर की अगर नाली बनवाते हैं, अगर आपके घर की नाली भर जाती है तो आप उस समय ये नहीं सोचते कोई आकर साफ करे, अगर आपको समस्या होती है तो आप फावड़ा लेकर के खुद उसको साफ करते हैं, ठीक है। तो अगर यही चीज़ें जैसे आप अपने हिसाब की, बगल वाले अपने हिसाब की, अगर सब अपने अपने करते चले गए तो देखिए इस चीज़ से आपको समस्या का समाधान हो सकता है। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब ये नहीं कह रहे कि आपको करना हो, क्योंकि करना भी पड़ सकता है, हमें अपना काम ये बना सोचे कि हमारा नहीं है ये दूसरा, ठीक है। देखिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपकी जो भी समस्या है उनसे हम समाधान, मतलब छुटकारा दिलवा सकते हैं, लेकिन कब तक दिलवाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सारी समस्याओं में सबसे पहले आपके यहाँ हमको गांव में सर्वे करना है पूरे गांव में, ठीक है। आप लोग खुद चल के हमारे साथ, हम अकेले कुछ नहीं करेंगे, आपके गांव के सबसे पहले खेतों की जो मेड़ है, ठीक है, आपको देखिए कि आपकी मेड़ कितनी ऊंची है, ठीक, क्या जो बरसात अब कटाई हो गई, अगर अब पानी बरसेगा तो पानी बह के निकल जाएगा, अगर मेड़ बंदी नहीं है तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखो, मेड़ बंदी का काम सबसे पहले हमारा रहेगा, आप मेड़ बंदी करवाना, जो बंधे हैं जो तालाब हैं उनको अगर सबका, मतलब हमें बजट पूरा पास करवाना है, ठीक है, तो उसमें कितने लोगों की हमारे साथ सहभागिता रहेगी सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। तो आप लोग का हमें सहयोग चाहिए पूरा पूरा, आप लोग सहयोग करेंगे, अगर हम कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना में आपकी सहमत चाहिए, बिल्कुल 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 सहमत है, और उससे पहले सारी समस्याएं का समाधान होगा, लेकिन आपको भी एक सबसे बड़ा अपना खुद का सहयोग करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले पानी बचाना होगा, ठीक। हम जितना, क्योंकि देखिए ये सारी योजनाएं गांव में इसीलिए आती हैं कि शहर के लोग नहीं जूझते हैं समस्याओं से, समस्याओं से गांव के लोग जूझते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले पानी, हमें जो बरसात का पानी है जो 2 महीना 3 महीना जितना भी होता है, तो हमें उसे जो बह के निकल गया, जो हमारे यहाँ रुकता है, तो उसे तो हम कम से कम इतना रोकें कि वो
कुछ समय तक रुका रहे,